प्रशासन के दोहरे रवैये से नाराज कांग्रेस अब आंदोलन करने की तैयारी कर रही है, जहां इसे लेकर गांधी भवन स्थित कांग्रेस कार्यालय पर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आंदोलन को लेकर खास प्लान तैयार किया गया। गांधी भवन स्थित कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित हुई इस बैठक में पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल, शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, कांग्रेस नेता रघु परमार, शेख अलीम और रवि वर्मा मौजूद रहे, जहां आने वाले दिनों में प्रशासन के दोहरे रवैये को लेकर कांग्रेस अब आंदोलन करने की तैयारी कर रही है, जिसमें मौन धरने के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर सरकार और प्रशासन का विरोध करेंगे। हमारी जान, मेरे साथियों, मातृशक्ति, जैसा कि अभी शेख अलीम जी बता रहे थे कि कोरोना काल में पिछले डेढ़ वर्षों में इंदौर शहर के समस्त नागरिकों ने बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया। जो जो भी शासन ने बोला उसका सम्मान किया, उसका समर्थन किया, पर जो जन आशीर्वाद यात्रा निकली, हमारी पार्टी के साथ गद्दारी करके गए, सौदेबाजी करके गए, सरकार गिराई और इस शहर में आकर पुनः वातावरण खराब करने का प्रयास किया, प्रयास करके वातावरण खराब किया। जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से उनके लिए कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी। वहीं इस आंदोलन की रूपरेखा को मीडिया के साथ साझा करते हुए पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल ने बताया कि प्रशासन के दोहरे रवैये को लेकर कांग्रेस आंदोलन करने की तैयारी कर रही है, जहां मौन रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। देखो, हम शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में पूरे हम सब मिलकर 5 नंबर विधानसभा के आम कार्यकर्ता, आम साथीगण और हमारे प्रभारी 5 नंबर विधानसभा के रघु परमार जी और शहर अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम आंदोलन करने जा रहे हैं और वो हमारा, हम सब मिलकर स्टेडियम में इकट्ठे होंगे और वहाँ से हम सीधे राजबाड़ा पहुँचेंगे और राजबाड़ा से हम मौन जुलूस के रूप में कलेक्टर कार्यालय जिला प्रशासन पहुँचे। हमारा मूल मकसद ये है कि जिला प्रशासन दो तरह का व्यवहार कर रहा है, एक तरफ तो कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं के साथ झूठे मुकदमे लादे जा रहा, कोरोना काल की पहली लहर आई, दूसरी है, अब तीसरी भगवान के भरोसे, उसमें जिला प्रशासन और सरकार फैल रही पूर्ण रूप से। तो अभी हम परमिशन मांग रहे हैं कहीं भाई। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।